देख भाई, ये मैं बोल रहा था, पहाड़ रास्ता, पहाड़ नीचे और समंदर, है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं। सो गुड मॉर्निंग, इट्स 19 जुलाई 2019। तो कल का जो प्लान था वो तो भाई पूरा जैसे बर्बाद जैसा ही हो गया, क्योंकि हम लोग आए 11-12 बजे, लंच किया और सीधा सो गए और सीधा उठे हम लोग 7:30 बजे, यहाँ तक कि हमारा सनसेट देखना भी रह गया, सब कुछ रह गया। तो अब जो भी कल करने वाले हैं वो आज करेंगे, थ्रू एंड थ्रू हो गए हम लोग। आज का प्लान है चिपलुन जाने का, तो मुरुट से डिगी, मुरुट से थोड़ा आगे यहाँ पे कुछ, तो मुझे एग्जैक्टली नाम मालूम नहीं, रास्ते में बता दो, वहाँ पर जेटी मिलेगी, जेटी से फेरी मतलब वही, उससे वहाँ से जाके डिगी जाएंगे, डिगी से फिर श्रीवर्धन होके हम लोग चिपलुन जाएंगे। तो मतलब आज पूरा ऐसे ही घूमते 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 चिपलुन जाएंगे। 6:50, 7 बजे की फेरी है, वो तो अब नहीं मिलेगी, अब उसके बाद 1 घंटे बाद फेरी है 8 बजे की, तो वो ज़रूर मिल जाएगी। तो फटाफट हम लोग अब रेडी करते, बांध लेते और निकलते हैं यहाँ से, चलो। मुरुट बीच, और अब हम लोग जा रहे हैं आगे, मुरुट से आगे जंजीरा है, ओह देख भाई, ये मैं बोल रहा था, पहाड़ रास्ता, पहाड़ नीचे और समंदर, है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं। वाटर क्रॉसिंग, छोटा सा लद्दाख देखने को मिल गया हमको, पर पानी तो है ना, पर जो भी है पानी है ना, बस इस कॉल वाटर क्रॉसिंग, नाला क्रॉसिंग। चल कोई नहीं भाई, जो भी है क्रॉसिंग नाना पर। और यहाँ आ चुके हैं अगरगंडा फोर्ट पर, रुक जाओ, पीछे में कोई एंगल लगा लें दो। अंगल जाने का कब है, अंदर जा सकते क्या? तो ये है अगर डंडा, जेटी, फेरी एरिया वगैरह वगैरह जो भी है। चलो बुला रहा है। हाँ तो रुक जा, हटे, चलो। और हम लोग चले जेटी में, मेरे पीछे सब। नी नलन बाबा। तो 9:05, अभी है अपने डिगी पे ना, इसको डिगी बोलते ना, डिगी फोर्ट पर है, और अभी हम लोग जाएंगे श्रीवर्धन, जो कि है यहाँ से 30 किलोमीटर, 1 घंटे में पहुँच जाएंगे। बट उससे पहले हम लोग को करना है जमन, बोले तो खाना वाना खाना है, पेट भरना है। Thank you.
काहे के लिए चिपलून तक चलेगा। हिलियास के टायर में जो है ना थोड़ी सी क्रैक्स दिख रही है, ये जो है ना क्रैक्स, टायर चेंज करने की ज़रूरत है और एयर प्रेशर भी कम है। तो भाई पेट्रोल पम्प हो तो ऐसी जगह पर, क्या जगह है भाई। भाई इसको हटा पाएगा, बहुत भारी है भाई। उठा इस पीछे रख दे तो। आज लोगों के अंदर एनर्जी थोड़ी ज़्यादा है। कल भी थी क्या? कल थक गए थे ना, कल मुरुड पहुँचते पहुँचते थक गए। हाँ तो फिर सो गए, लेकिन मुरुड का व्यू देख के सारी एनर्जी वापस आ गई थी। हाँ, सारी एनर्जी वापस आ गई थी। नींद का तकाजा था, किसको नहीं चाहिए, किसको नहीं चाहिए बीच साइड रोड, तभी कितना सोए अपने होम प्लस ऐसा व्यू प्लस इतना ब्यूटीफुल बोले तो नज़ारा ब्यूटीफुल प्लस सुबह सुबह वो क्या बोलते हैं बिना 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 कपड़े के वॉक करना, अरे दौड़ना दौड़ना, भाग मिलका भाग, जॉगिंग भाग मिलका भाग। तो ये हमारा चलता फिरता कबोर्ड है, ये फ्रंट कबोर्ड, बैक कबोर्ड और लटकाने का कबोर्ड। और हम लोग यहाँ पर रुके थे शानदार बालों की ट्रीटमेंट करवाने आए होटल पे, जो कि आज का बिल हुआ है 300 रुपया, 300 रुपीज़ का बिल हुआ। अच्छा है, चार लोगों में नाश्ता पानी किया, चाय पिया, ऑमलेट किया, भुर्जी खाया, डबल अंडा खाया, फ्राई हाफ फ्राई खाया, मज़ा आया ना, मज़ा आ गया। तो अब निकलते फटाफट। ए रुको रुको रुको। हाँ भाई, दीपक का होटल का नाम ये है। अगर आप दिव्यगढ़ से या श्रीवर्धन साइड आ रहे हो तो यहाँ आके जरूर नाश्ता करना, जूम करके देख लेना। तो यहाँ आके जरूर नाश्ता करना, मज़ा आ जाएगा। अब थोड़ा यहाँ पे धूप चला गया, गर्मी निकल पसीना हो रहा है, तो फटाफट बाइक पे बैठते और निकलते। दिव्यगढ़ हम लोग नहीं गए क्योंकि दिव्यगढ़ में कुछ ना कुछ खास नहीं था, तो थ्रू एंड थ्रू हम लोग साइड से श्रीवर्धन के लिए निकल गए। और रास्ते इतने माशाल्लाह है ना कि भाई हम लोग ने जो भी आमलेट जो ऑमलेट जो खाया ना वो अभी ऐसे मजा आएगा हमारा। राइट साइड पर रुका था जरा, अच्छा व्यू व्यू लेते। हाँ इधर 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 वाह वाह वाह, वाह भाई वाह। भाई मैं 3 साल पहले आया था और 3 साल पहले भी ऐसे ही बाइक खड़ी करी थी और आज भी इंशाल्लाह ऐसी खड़ी है। हाँ तो नीचे चला जा, पहली फुर्सत से निकल निकल। ओ भाई ओ भाई ओ पीछे ले, ओ पीछे ले पीछे ले, ओ यो मामा की 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 मैं घुस गया था। हैं ये बाबा, इसको बोलते समंदर। इधर तो टिकटॉक बनावे लोग है, इधर आवे तो गाड़ी ने क्रॉस नहीं हो सके। ए असली असली इधर दिखा दे वो टिकटॉक वाले। तो दिव्यगढ़ हम लोग नहीं गए, दिव्यगढ़ का प्लान कैंसिल किया क्योंकि वो इतना कुछ खास नहीं था। वो उस तरफ जो है वो जो पहाड़ है, वो पहाड़ के नीचे दिव्यगढ़ है। हाँ दो ही वीडियो अभी, तीन है बस। तो यहाँ पे थोड़ा रुके, चिल आउट मार रहे हैं, यहाँ बैठे बैठे 10-15 मिनट निकल गए अपना नेचर को देखते हुए, बस 10-15 मिनट निकाल दो। टिकटॉक एचआर का टिकटॉक ही बनाना चाहिए, मज़ा आएगा। तो जो आपने सेल्फी स्टिक पे अभी जो व्लॉग देखा वो शॉट, वो था अरवाई बीच। हाँ अरावी बीच, जो रोड के बिसाइड में ही है, बाजू में, बहुत सही बीच है। अभी थोड़ा हाइट हाइट था इसलिए हम लोग नीचे नहीं गए और वहाँ से थोड़ा सेल्फी वेल्फी लेके नहीं, अब निकल रहे हैं श्रीवर्धन के लिए। श्रीवर्धन यहाँ से कुछ 10 किलोमीटर है। पानी वाटर वाटर में
तो पहुंच गए हैं हम लोग श्रीवर्धन के होटल में, तांबे के लांबे 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 हाँ लांबे हॉलीडे इन, सिर्फ 2-3 घंटे के लिए, क्योंकि आज जुम्मा है, नमाज़ पढ़ना है। तो एक होटल रिजॉर्ट नहीं, होटल रिजॉर्ट क्या है जो भी है, बस ले लिया 800 3-4 घंटे के लिए। तो यहाँ पे बाथरूम है, तो फ्रेश अप वैशअप हो रहे हैं, नहारे वारे, उसके बाद अभी नमाज़ के लिए जाएंगे, नमाज़ के बाद फिर लंच वंच करेंगे, फिर थोड़ा श्रीवर्धन घूमते हैं। और श्रीवर्धन बीच कैसा है दिखाता हूँ मैं आपको, तो मिलते हैं थोड़ी देर में, चलो। तो ये हम आ चुके हैं श्रीवर्धन बीच पे। ओहो हो, बहुत पानी है, और पानी तो देखो भाई कितना साफ़ है। ओ भाई पानी बहुत साफ़ है। वाह 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 ताज, वाह ताज। और मास भाई देखो कहाँ जा रहे हैं, क्या सोच रहे हो भाई, क्या ढूंढ रहे हो ऊपर, क्या दिख रहा है वहाँ पे तुमको? माने माने वो पत्थर दिख रहा है मानो, वो लाइफ गार्ड कुमार, लाइफ गार्ड को हेलमेट पहन के ऊपर जाता है। हाँ चल आगे जा। हाँ तो ये है श्रीवर्धन के पीछे का भाग, चल आगे ले, आगे ले, आगे ले, आगे जाने पीछे का एरिया जिसमें हम चारों ऑफ रोड करते हुए मास भाई आगे निकल गए। टाइम हो रहा है 3:48 दोपहर के, लंच कर लिया है, नमाज हो गई, और निकल रहे चिपलून के लिए। 3 घंटा बता रहा है तो काफ़ी लेट हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग फटाफट निकल रहे। कॉल्ड रियल कोकन ब्यूटी। और ये वापस रास्ता खराब, श्रीवर्धन से निकले 70% रास्ता खराब है, 30% रास्ता अच्छा है, हो गए बट रास्ते तो भाई अल्लाह तोबा। हाँ सो फार सो गुड। बहुत ही गंदे रास्ते, अचानक से गूगल मैप से हमसे राइट दिलवा दिया, और राइट लेते ही ऊबड़ खाबड़ वाले रास्ते, वो तो हमारा गोपुर हीरो 7 है, इसलिए इस पर तो ऊबड़ खाबड़ दिखेगी नहीं, स्टेबिलिटी रहेगी। हाँ एकदम स्मूथ दिखेगा, पर हमको पता है कितनी स्टेबिलिटी नहीं है यहाँ पे। अपनी भाई भी गिम्बल जैसी होनी चाहिए सीट, मालूम उस खड्डे के हिसाब से अपने को खबर ही नहीं पड़ा, मतलब सीधे खड्डे भरे हो गाड़ी ऊपर नीचे हो। बीच में बहुत ज़्यादा मिट्टी है, तो हाँ अब ये रास्ता कुछ 6 किलोमीटर का है, अब देखते हैं ये 6 किलोमीटर ऐसा ही है या इससे और बुरा होगा। तो 10 किलोमीटर के बाद थोड़ा सा अच्छा रास्ता आया है, और अच्छा रास्ता मतलब बहुत अच्छा रास्ता आया। तो श्रीवर्धन से गली हम लोग ने कुछ 50 या 55 किलोमीटर, और बीच में ये है सावित्री रिवर, देखो बहुत बड़ी है भाई, बहुत बड़ी रिवर है ये एक्चुअल में, और ग्रीनरी इधर बाप है इधर। अभी ग्रीनरी माशाल्लाह।
बाइक का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा दे रहा है। बाइक में कोई प्रॉब्लम आ रही है? कोई ऐसा कुछ मक्खन टायर वायर चल रहा है। मेरा टायर खराब है, चलने में बाप पण माशाल्लाह आ रहा है। इलियास में प्रॉब्लम बाइक में कुछ नहीं, लगेज में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है ना। लगेज में और ठीक है, लगेज में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा। एक बंजी कॉर्ड एक्चुअल में हमारे एक टूट गई, एक्स्ट्रा बंजी कॉर्ड नहीं है तो इसलिए थोड़ा वो टायर से अनबैलेंस हो रहा है। जस्ट 15 किलोमीटर लेफ्ट फॉर चिपलून, मतलब जो रिजॉर्ट हम लोग जा रहे हैं वो 14 किलोमीटर है। और अचानक हवा और वातावरण और वेदर में इतना बदलाव आ गया है कि जो 5 किलोमीटर जो पहले था वो अब बिल्कुल फील नहीं हो रहा है। जो गर्म लग रहा था वो पूरा बंद हो गया, अब पूरा ठंडा 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 लग रहा है। हवाओं में ठंडा गई है, अचानक से टेम्परेचर गिर गया है और सामने देखो काले काले बादल, काले काले बादल। तो मिलते हैं ये खूबसूरत रास्ता ख़त्म करके रिजॉर्ट में, पहुंच चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन पे चिपलून द रिवर व्यू रिजॉर्ट। हाँ यार 18 मिनट्स अलियो, चलो कोई नहीं, वैसे हम लोगों ने बहुत रुके रास्ते में। तो अब देखते हैं रिजॉर्ट कैसा है, बार्गेन वार्गेन करते हैं। इसको चुप करा दे यार, इसको चुप करा तो मार दूंगा अब मैं। हाँ भाई माफ़ कर दे भाई, मेरा जो भी है, हाँ माफ़ कर। हाँ तो भाई अपने कितने बजे आए घर पे या रिजॉर्ट में? साढ़े सात बजे आ गए थे ना? सात नहीं पंद्रह, सात, हाँ 7:15 को हम लोग आ चुके थे रिवर व्यू रिजॉर्ट। काफ़ी एक्सपेंसिव है बट इट्स ओके, चलेगा। 4000 और चार लोग है तो 7900 पड़ा। क्योंकि अभी मैं रूम टूर नहीं बताता, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगा। बहुत थक गए अभी हम लोग, जस्ट स्विमिंग पूल में जाके आए तो थोड़ा लेट हो गए थोड़ा इसके लिए। तो अभी लंच डिनर के लिए जाएंगे और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, रूम टूर में, रिजॉर्ट टूर मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और भाई लोग बाय बाय बोल दो। बाय बाय दीपक भाई, गुड नाइट। गुड नाइट, चलो सब बखैर।